सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास टेंथ मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स निकालने वाले हैं। यहाँ पे अब बात यह है कि क्या हम एन टर्म्स जो कि पिछले लेक्चर में देखे थे, मुझे उम्मीद है आप पिछले लेक्चर देख के आए क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर नहीं होने वाला है। तो हम जब देख चुके हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, कि एन टर्म्स को कैसे लिखा जाता है रियली में, ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये लिखना आपको आना चाहिए और लास्ट से भी, तो आप अच्छे से इस लेक्चर को समझ पाएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी जो हम निकालने चलते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी खास टर्म तक, चाहे वो पाँचवा टर्म हो, दसवा टर्म हो, या हो सकता है 200वां टर्म हो, उतने टर्म तक आप जितने टर्म हैं ए पी में, टर्म मतलब जितने मेंबर हैं ए पी में सिक्वेंस में, उस सबको जोड़ दें। कहने का मतलब आप अगर 5, 9, 13, 17, 21 ऐसा एक ए पी जा रहा है, इसके सारे टर्म को जोड़ दें, वही कहलाता है क्या? सम ऑफ एन टर्म्स। अगर इसमें 50 टर्म है 50 तक जोड़ दे। और इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे एस डिनोट फॉर सम एंड एन, यानी एन एच टर्म तक, ठीक है, सम ऑफ एन एच टर्म ऐसे लिखेंगे। ओके, पिछले लेक्चर से हम लोग देखे थे कि वी कैन राइट एन ए पी, हम लोग राइट लिख सकते हैं किसी ए पी को एज दो तरीके से। एक तरीका हमारे पास था ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते डॉट 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 ए एन तक। और एक और तरीका था कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करते ए एन को एल लिख देते और इसे फिर एक बैक आते हैं तो एल माइनस डी। उम्मीद है ये सब मैंने अच्छे आपको अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये आप जानते हैं। सम ऑफ जो एन टर्म्स है, एन एच टर्म, जनरल टर्म, उसको भी मैंने दिखाया है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप लिख सकते हैं जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म होता है, एन एन एच टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस को बोला जाता है। यहाँ भी डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है। और उसी तरह से एक और तरीका मैंने बताया था सम एन टर्म निकालने का, जो कि था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे उम्मीद है आप ये सब जानते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको, डिराइव कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्या हम इस सब को सम निकाल सकते हैं? बोला कि 50 टर्म तक सम निकाल के दिखाओ, क्या हमको जोड़ना पड़ेगा मैनुअली या हम डायरेक्ट फार्मूला की मदद से या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, बेसिकली आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं और एक सिंपल से फार्मूले से निकाल सकते हैं। वो क्या फार्मूला है, उसका डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। दो अलग अलग तरीके से डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो पहला तरीका जो है उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ये कुछ कंसिडर करेंगे, यही सब कि हमारा कंसिडर करेंगे, मान लेंगे क्या चीज़ कि ए जो है हमारा, फॉर्मेलिटी के लिए सब तो आप जानते ही हैं, ए जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ओके। उसके बाद डी जो हमारा वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है और एल जो है हमारा, एल क्या है, लास्ट टर्म, ठीक। एस एन क्या डिनोट कर रहा है, एस एन डिनोट कर रहा है सम अप टू एन एथ टर्म तक सम, ओके जी। इसके बाद हम अगर लिखना है हमको क्या चीज़, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या था, ए प्लस डी, इस दोनों को जोड़ दें, प्लस थर्ड टर्म भी यानी ए प्लस टू डी, प्लस फोर्थ टर्म भी यानी ए प्लस थ्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जाए, एल तक, और एल से थोड़ा बैक मारें, एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी, और ऐसे ही बढ़ते जाए, ठीक, इसी बीच में जितना हो। अब देखिए एक तो ये हुआ, अब हम इसी को उल्टा लिखेंगे क्योंकि हमको सम निकालना है ना, ठीक है, उल्टा लिखेंगे, बाद में चिंता नहीं कीजिए उसका हम फिकर रहेंगे उल्टा क्यों लिख रहे हैं, सबका आपको थोड़ा धीरे धीरे कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटिंग द एफ ऑफ सीरीज, ये जो सीरीज लिखे हैं, सीरीज समझते हैं ना, जब किसी भी सिक्वेंस के टर्म्स को जोड़ दिया जाता है तो उसी को सीरीज बोला जाता है। तो राइटिंग द एफ ऑफ सीरीज, ऊपर के जितने सीरीज है ये जो हम लोग ये लिखे हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, इन रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, तो इससे कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, एस एन पहले एल आ जाएगा, ठीक, उसके बाद एल माइनस डी आएगा, उसके बाद एल माइनस टू डी आएगा, उसके बाद डॉट कर दीजिए और जाते जाते ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी, प्लस ए प्लस टू डी, प्लस ए प्लस डी, प्लस ए। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दें तो क्या होगा, ठीक है, तो बोलेंगे आप दो टू एस एन आ जाएगा, उससे कोई बात नहीं, हम एक एस एन निकालेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे देखिए एक जनरल ऐसे अगर था, डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला था एस एम एफ एन टर्म का, तो यहाँ से कोई लॉजिक नहीं निकल रहा था, इसमें तो आपको सबको जोड़ना ही पड़ रहा था, पर यहाँ पर निकालने के बाद आपको और रिवर्स ऑर्डर में रखने के बाद एक फ़ायदा मिल रहा है। देखिए इसका फर्स्ट टर्म जोड़िए, रिवर्स करने के बाद ए प्लस आ जा रहा है,
इसका फर्स्ट सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म, तो देखिए यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए प्लस एल, यहाँ से भी टू डी और टू डी दोनों देखिए तो टू डी से टू डी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ए प्लस एल, थर्ड टर्म को जोड़ेंगे तो वही तरह से फोर्थ फोर्थ को जोड़ेंगे तो आपको आएगा ए प्लस थ्री डी और यहाँ आता है ए माइनस थ्री डी, तो थ्री डी से थ्री डी कैंसिल आता है कहाँ क्या आता है ए एल, लास्ट में भी देखिए क्या बन रहा है तो ए प्लस एल, ये दोनों क्या बन रहा है ए प्लस एल, मतलब यहाँ पे एस एन जो लिखेंगे एस एन और एस एन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख दे ऐड कर लें फर्स्ट एंड सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐसा नहीं कि फर्स्ट को इसका फर्स्ट टर्म उसका थर्ड टर्म जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म मतलब जिसके सामने जो है वही टर्म, एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को अगर जोड़ दे इसे क्या होगा इसे देखिए इससे क्या आएगा एस एन प्लस एस एन, एल एच एस में एस एन प्लस एस एन ये किसके बराबर होगा ए प्लस एल, और ये ए प्लस एल कितना बार तो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं कितना बार जितना टर्म है उतना बार यानी एन टाइम्स, तो एन एन इंटू ये कैसे आप बोल दिए देखिए जैसे टू प्लस टू प्लस टू लिखा हुआ तीन बार तो क्या लिखेंगे थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं इक्वल टू थ्री इंटू टू, अगर ये लिखा रहे टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितना बार हो गया फाइव, तो इसको फाइव इंटू टू लिख सकते हैं टेन होगा, इसी तरह से ये एन टाइम्स लिखा हो तो क्या लिखेंगे एन इंटू टू, तो वही चीज़ मैंने लिखा है एन टाइम्स ए प्लस एल है तो एन टाइम्स ए प्लस एल, उम्मीद है आप ये समझिए। अब देखिए ये एस एन प्लस एस एन तो भी सेम लाइक टर्म है तो इसको जोड़ सकते हैं तो टू एस एन, टू एस एन इक्वल टू आएगा एन इंटू ए प्लस एल, मुझे तो एस एन निकालना था टू एस एन है तो मैं क्या करूँगा सिर्फ एस एन निकालने के लिए इस टू को इधर ले आऊँगा तो वन बाई टू एन इंटू ए प्लस एल या एन बाई टू इसी को लिखा जाता है इंटू ए प्लस एल, मतलब आपको जितना टर्म निकालना है उसको दो से डिवाइड कर दीजिए ठीक है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, और हमको हमारे पास से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा रहता नहीं है तो क्या करें तो कुछ इस तरह से कीजिए एल को हमने देखे थे ना एल को क्या लिखते हैं एल, अगर हमको लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म यानी एनथ टर्म, लास्ट टर्म सिंपली मीन्स एनथ टर्म ठीक है, एन भी तो लास्ट टर्म ही है तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ये, हाँ तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि एस एन जो होगा वो एन बाई टू इंटू ए को ए रहने देता हूँ और एल के जगह क्या ले देता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी एक फार्मूला है इसका ठीक है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी किसी बच्चे को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि इसको ऐसे क्यों लिख दिए, इस ये वाला हमको ज़्यादा समझ में आया था ए इंटू ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एन, तो हम इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं और चलिए उसी को देखते हैं कि दूसरे तरीके से ए पी को कैसे प्रूफ करें ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत होगा ठीक है, अगर आप अच्छे से मैथ नहीं जानते हैं भले आपको ये लिखने में आसान हो लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा बहुत जानी थोड़ा सा आपको प्लस माइनस आता है अच्छे से तो आप आराम से समझ सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं सेकेंड मेथड का, जैसे कि हम अभी सम ऑफ एन टर्म्स जो फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे क्योंकि बच्चे को पहला वाला तरीके में दिक्कत होते रहता है लिखने में ठीक है, एल वाला समझ नहीं आता पर यहाँ पे और आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है तो चलिए कोई बात नहीं उसका दिक्कत को हम लोग दूर कर लेंगे। एस को कैसे लिखेंगे ए प्लस डी एस एन निकाल लें एन तक ठीक है प्लस ए प्लस टू डी डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी होगा ना फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या ए एन भी होगा इसमें नहीं ए एन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एन तक निकाल रहे हैं ठीक है एन तक तो एन में एक माइनस हो जाता है, जब भी हम लोग एन एथ टर्म निकालते हैं टी फिफ्थ निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ए प्लस फोर डी होता है जनरल टर्म में, सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ पे आप लास्ट टर्म में ए एन नहीं लिख सकते ठीक है क्योंकि वहाँ उसका तो मतलब हो जाएगा कि सम ऑफ एन प्लस वन निकाल दें तब ना एन प्लस वन माइनस वन तो एन हो गया तो आप एन प्लस वन नहीं लिख सकते आपका यही हो गया लास्ट टर्म यहीं तक, यही आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि आप कि यहाँ पे एन लिख रहे हैं तो यहाँ पे एन तक क्यों नहीं लिख रहे हैं ए एन तक, तो यहाँ समझिए आप एन तक लिख रहे हैं ना दसवां टर्म तक, दसवां टर्म तो यही हो गया क्योंकि दसवां टर्म कैसा होता है नाइन डी तो यहाँ पे ये नाइन डी ही हो गया आपका या दसवां टर्म, ये आपको समझना है ठीक है, नहीं समझे तो फिर बताइए मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा पर उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि यहाँ जो एस टेन अगर लिख रहे हैं तो टेन मतलब ए प्लस नाइन डी और ये नाइन डी कहाँ से आएगा तो एन माइनस वन से ना, तो ये दसवां टर्म ही है आपको और कंफ्यूजन है दसवां टर्म ही है ओके। हम लोग अगेन क्या करेंगे सेम काम करेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन हमारा वो वाला फर्स्ट है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डर बदल लेते हैं इससे क्या होगा तो एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट 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 करके ये कहाँ तक चला जाएगा ए प्लस टू डी
प्लस ए प्लस डी प्लस ए। देखिए अब सेम काम क्या करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन में मान लें और ऐड करें, एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को, सेकेंड थर्ड वाले को थर्ड, तो एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मेल खाता हुआ टर्म्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, तो देखिए ए प्लस ए कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो पहले एच एस एल एच एस, तो टू एस एन हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन टू एस एन, ए प्लस ए कितना हो गया टू ए, टू ए। और क्या हो रहा है, तो ये एक टर्म है ये टोटल ना, तो इस टर्म पूरे को इस टर्म को यहाँ, तो ये क्या हो रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बच गया एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका पहला कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़े तो ये आया आपको, ठीक है ये पूरा ओके। अब कौन है, अब ये ए प्लस डी है और उसके साथ ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू डी है, अब ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू ए, ठीक है, और फिर एन माइनस टू इंटू डी और यहाँ है सिर्फ टू डी, तो यहाँ देखें माइनस टू डी और माइनस टू डी क्या आ जाएगा, ठीक है ए प्लस माइनस टू डी माइनस टू डी, इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो फिर से आपको क्या आने वाला है एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि आपका ए प्लस टू डी जो है, ठीक इसमें सॉरी सॉरी यहाँ है ना, इसका सेकंड टर्म ये है, ये इसका सेकंड टर्म, सॉरी ये पेन मेरा इधर जा रहा था, मैं कैमरा की तरफ देख रहा था, ये इसका सेकंड टर्म है ए प्लस डी, और इसका सेकंड टर्म कौन है ये, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस टू डी है, यहाँ सिर्फ डी है प्लस डी, तो एक डी तो चला जाएगा लेकिन एक डी तो रहेगा माइनस वन डी, तो इस तरह से इस दोनों को अगर जोड़ेंगे, मैं अलग भी करके दिखा देता हूँ, ए प्लस डी इसका सेकंड टर्म है और इसके साथ किसको जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे ए प्लस टू एन एन माइनस टू इंटू डी, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं ए प्लस डी प्लस ए एन इंटू डी, कितना हो जाएगा एन डी माइनस टू डी, अब देखिए ए प्लस डी ठीक, और यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि एक डी और माइनस टू डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले ए प्लस ए जो जो है टू ए, और ये हो जाएगा माइनस डी प्लस एन डी, ठीक यानी टू ए, अगर हम डी को कॉमन ले लें टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये भी टर्म क्या हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें, तो बच्चे घबराने लगते हैं, इसलिए पहला मेथड ही मैं ज़्यादा सेफ समझता हूँ बच्चों के लिए, वैसे दोनों तो सेम है बहुत ईजी है दोनों, ऐसे करते 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 ये कितना टर्म जाएगा, यहाँ भी देखिए ए प्लस ए टू ए एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना टर्म था इसमें एन टर्म्स था, तो मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं टू एस एन जो है वो एन टाइम्स क्या आया है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एस एन जो है वो क्या आ गया एन बाई टू, टू इधर आ गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें तो कुछ अलग आया था पहला बार में, हाँ उसमें आया था आपका एस एन जो आया था वो आया था एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, क्या इससे ए प्लस एल में जा सकते हैं, अफकोर्स जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, एन बाई टू रहने दीजिए, अब इस ए को तोड़ दीजिए ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब देखिए यही जो है ये लास्ट टर्म का जनरल टर्म है, ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, क्योंकि एल का वैल्यू ये है एस एन, एस एन का आपका दो आपके पास आ गया, क्या चीज़ एक आ गया एन बाई टू इंटू ए प्लस एल और दूसरा क्या आ गया और एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए, इसी को एल के जगह पर रख दें तो एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अब इसे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ करूँगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको लाते ही रहूँगा अपने चैनल पे, हर थोड़े दिन पे या रोज लाते रहूँगा जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो, अगर आपको किसी में दिक्कत हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन, तो मैं उसको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, ये सी बी एस ई 2006 में पूछा भी गया, बोल रहा है फाइंड द सम, सम निकालना है आपको, और आपको ना ए पी फर्स्ट टर्म कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ सम करके दिया हुआ है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 करते प्लस 100, मतलब इस पूरे का आपको सम निकालना है ए पी से। देखिए ये वैसे निकालने बहुत कठिन लगेगा कि बिना ए पी के ये सब बहुत पॉसिबल नहीं था, पर अब ए पी आ गया, एक ए पी के बारे में बहुत सारा चीज़ हमको पता चल गया, तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ए कितना है 25, एल कितना है तो 100, और आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स के लिए एक फार्मूला है, क्या चीज़ कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यहाँ पे एन तो पता होना चाहिए, एन तो पता ही नहीं है, अगर दिखा रहा था कि 20 टर्म तक 30 टर्म तक एक बार, एन तो पता नहीं, कोई बात नहीं एन पता कर लेते हैं, ये क्या है यही तो है एन लास्ट टर्म, यहाँ तक निकालना है ना, तो टी एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब एन का वैल्यू भी है टी एन का वो है 100 इक्वल टू ए यानी 25 प्लस एन, यानी वही हमको पता करना है, एन रह ही जान देते हैं इंटू डी, तो 28 माइनस 25 यानी 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3, अब इसको इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 75 प्लस 3 78 इक्वल टू 3n, इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा 78 बाई 3, 3 टू द 6 3 6 था 18 यानी 26 टर्म्स है, 26 टर्म तक सम निकालना है, यहाँ एस एन मतलब
26 बाई 2 इंटू ए यानी 25 प्लस एल यानी 100, ये कितना आ जाएगा 213। तो एस एन कितना आ जाएगा 13 इंटू 125, जितना इसको मल्टीप्लाई करके आया, कितना मल्टीप्लाई करके इसको आ रहा है 1625 इसका आंसर, यानी इतने टर्म को सम करने पे कितना आया 1625। सिंपल भी आप क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में आपको सम ही निकालना है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कितना टर्म्स है, तो आपको इसी तरह से आप एन निकाल लेंगे, ठीक। अब बोलेगा कोई कोई मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे ये वाला फार्मूला से निकालना है, कौन वाला से, एन बाई टू इंटू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या इसमें अलग आंसर आएगा, ऑफकोर्स नॉट। आप कोई प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे एस एन इक्वल टू 26 बाई 2, टर्म तो उतना ही है, 26 बाई 2 इंटू टू ए, टू ए यानी 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, फर्स्ट टर्म 25 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 26 माइनस 1 25 इंटू डी, डी कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा अगेन 13 इंटू 50 प्लस 75, ये अगेन कितना आ जाएगा 50 प्लस 75, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 125, अगेन ये कितना आ जाएगा 1625। तो कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, कोई उसमें गलत बात नहीं है, आप कोई भी तरीका अगर लगाएंगे उससे सही आंसर आने वाला है, बस यही दो तरीका मेन है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन टाइप की। तो पहला ये हुआ क्वेश्चन टाइप वन, टाइप वन जिसमें आपको क्या दिया रहेगा, फाइंडिंग सम, ठीक है, सम दिया रहेगा फ्रॉम गिवन एपी, या तो एपी दिया रहेगा आपको, और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन करने का मतलब आपको दे रहेगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस के हिसाब से। अब चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे, जैसे ये सीबीएसई 15 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 15 का, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको पूछा हुआ, सीबीएसई 15 का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक और रिजल्ट आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यहाँ आपको एन टर्म दिया ही हुआ है, मतलब सेकंड टाइप जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि सम इज गिवन, सम दिया रहेगा और हमको फाइंडिंग nth टर्म, और आपको फाइंड क्या होगा, फाइंड करना होगा nth टर्म। तो इस तरह का सेकंड टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा। तो आपको दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब पहले n टर्म्स का सम जो है, n मतलब 50 25 कुछ भी, n टर्म ऑफ एन ए पी, किसी ए पी का, वो कुछ इस प्रकार है, इज 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स nth टर्म, इसके nth टर्म को, एंड ऑल्सो 20th टर्म, दोनों टर्म को निकालना, बहुत आसान है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझने को मिलेगा कि आपका जो an है ना, an जो लिखते हैं जनरल टर्म, जिसको tn भी लिखते हैं, वो आपका sn - n - 1 होता है। ये कैसे, इसको हम लोग एक छोटे से तरीके से देखते हैं क्योंकि इसका बहुत यहाँ काम होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या है, ए पी में है, हाँ ए पी में है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2। यहाँ पे अगर मैं फोर्थ टर्म तक सम निकालता हूँ S4, सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ये कितना हो जाएगा 2+4, सिंपल तरीके से 2+4 6, 6 6 12, 12 8 20, ठीक। आप ऐसे भी फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि एन बाई टू यानी 4/2 इंटू ए यानी 2 प्लस एल यानी 8, और 2 10 और 2 20 हो जाता, या एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी लगा सकते थे, ये आ गया 40। S3 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6, 4, 10 और 12। तो अगर S4 - S3 कर दे तो कितना आता है, देखिए 20 - 12 मतलब 8। ये S4 - S3 दिया क्या आपको, tn दिया या an दिया, यानी nth टर्म दे दिया। यही चीज़ मैं बोला था कि जिस टर्म में से उससे पीछे वाला टर्म को अगर हटा देते हैं, अगर nth टर्म तक हमको सम दिया हुआ है, S4 कहने का मतलब क्या, चौथे टर्म तक सम, S3 कहने का मतलब क्या, S3 का मतलब थर्ड टर्म तक सम। अब फोर्थ में से थर्ड घटा देंगे तो इसके बीच में क्या आएगा, यही तो आएगा, यहाँ थर्ड तक क्या था, सब था लेकिन एट नहीं था, और फोर्थ तक क्या था कि ये फोर्थ टर्म भी मिल गया था, समझिए इस बात को, थर्ड तक कितना था, मतलब ये सब था, उसमें एट मेंशन नहीं था जो कि फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म तक सम है, इसका मतलब फोर्थ भी मेंशन है। अब फोर्थ टर्म तक के सम में से अगर थर्ड टर्म तक निकालिए तो बचेगा क्या, ऑफकोर्स फोर्थ टर्म बचेगा। यही चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि nth टर्म जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n टर्म्स माइनस 1 कर देंगे, और आपको आराम से आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम काम हम लोग करने वाले। तो एक बात, हमको sn दिया ही हुआ है पहले से, तो हम लिख लेंगे कि sn जो है वो हमारे पास कितना है, 1/2
इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस सेवन एन, ये तो हमको पहले से दिया हुआ। हम लोग कोशिश करेंगे एस एन माइनस वन निकालने का। एस एन माइनस वन निकलेगा कैसे, तो एस एन माइनस वन निकलेगा वन बाई टू इंटू एन की जगह क्या रखने का, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू एन माइनस वन। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू इंटू, ये क्या हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा, थ्री इंटू एन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन माइनस टू इंटू एन इंटू बी, बी वन है यहाँ पे, प्लस सेवन एन माइनस सेवन, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया वन बाई टू। इसको मैं एक ही साथ अरेंज करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर और कुछ, ये हो गया थ्री और माइनस थ्री और माइनस सेवन कितना हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस फोर। और उससे पहले एन का बात करें, सेवन एन माइनस टू एन, तो कितना हो जाएगा, सेवन एन माइनस टू एन सिक्स एन ना, थ्री टू जा सिक्स एन, सॉरी सेवन एन माइनस सिक्स एन, तो वो कितना हो जाएगा एन, और ये माइनस सेवन और प्लस थ्री, समझ रहे हैं आप, इसका कितना हो जाएगा, एक स्टेप और मैं कर देता हूँ, वन बाई टू, और आप कन्फ्यूज हो रहे थे, ये क्या होगा, थ्री इंटू एन, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन यानी थ्री, और थ्री टू जा माइनस सिक्स एन प्लस सेवन एन माइनस सेवन, ये टोटल कितना हो जाएगा, थ्री एन स्क्वायर, देखिए सेवन एन में से सिक्स एन गया, तो क्या अच्छा एन प्लस माइनस सेवन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फोर, ठीक माइनस फोर। ये हो गया क्या आपको, एस एन माइनस वन आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एन स्टार यानी टी एन या ए एन, टी एन हो गया एस एन माइनस एस माइनस एन माइनस वन, तो ये कितना आ गया, तो कितना था पहले, एस एन था वन बाई टू इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस सेवन, और एस एन माइनस वन यानी वन बाई टू इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस एन माइनस फोर। वन बाई टू सिंपली कॉमन ले लेते हैं, इतना काम कौन करेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू एलसीएम लेंगे, तो वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, थ्री एन स्क्वायर प्लस सेवन एन माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस एन प्लस फोर, ठीक है, माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो ये थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, वन बाई टू इंटू सेवन एन माइनस एन, तो कितना हो गया, सिक्स एन, और ये कितना हो गया, प्लस फोर, यानी अगर यहाँ से टू निकाल लिया जाए तो टू इंटू थ्री एन प्लस टू बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, जनरल टर्म कितना आ गया, थ्री एन प्लस टू, ये आ गया आपका जनरल टर्म। अब जनरल टर्म जहाँ हमारे पास आ जाता है, तो हमको क्या बोल रहा है, ट्वेंटी टर्म निकाल लें, ट्वेंटी टर्म यानी बीसवा टर्म निकाल लें, तो ऑफकोर्स हम निकाल सकते हैं टी ट्वेंटी इक्वल टू थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस टू, ये तो है, एन के जगह पर ट्वेंटी रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी, सिक्सटी प्लस टू सिक्सटी टू। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपको पूछ देगा कि इस तरह से का सिंपल सिंपल क्वेश्चन कि कितना टर्म किसी ए पी में जोड़ा जाए कि इतना आ जाए। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी, और कोई ए पी है टू थ्री फाइव सेवन, ऐसे करके टू थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, इस तरह का, ठीक, और आपको बोल रहे हैं कितना नंबर जोड़ा जाए उसमें, और टर्म जोड़ा जाए कि सम 120 हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, इस तरह का क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए एक दो और अच्छा देखते हैं, तो एक टाइप आपका प्रूफ वाला भी आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और है 2015 का ही, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप करके देखिएगा, ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, प्रूफिंग वाला था, प्रूफ करने वाला, इसमें बोल रहा है कि इफ एस एन, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा इसको प्लीज, और नहीं बने तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। इफ एस एन डिनोट्स, अगर एस एन डिनोट कर रहा है, मतलब दिखा रहा है क्या एस एन डिनोट कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले फर्स्ट ऑफ एन, फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक, ऑफ एन ए पी, किसी ए पी का, तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना आपको एस ट्वेल्व, एस ट्वेल्व जो होगा वो होगा एस, वो होगा थ्री टाइम्स एस एट माइनस एस फोर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको बुक में भी बहुत सारा मिल सकता है, पर आपका सी बी एस ई में एक बार आया हुआ है, तो इसको सिंपली आपको पहले एस एट निकालना है, एस फोर निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, और एस ट्वेल्व निकालना है, आप देखेंगे ये थ्री टाइम्स करके खुद हो जाएगा, तो आप आराम से प्रूफ लिख देंगे इस तरह का क्वेश्चन। और ये बहुत तरह का क्वेश्चन आता है रेशियो टाइप का, मैं उसको अलग अलग से लाते जाऊंगा, इस लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा, तब तक के लिए इसमें इतना ही, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, रात का टाइम है, थोड़ा सा लेजीनेस है, बिकॉज मैंने लगभग चार पाँच घंटे का वीडियो शूट किया है दिन में, थोड़ा लेजीनेस है, पर मैंने सोचा कि ए पी आपका खत्म ही कर दिया जाए, इसीलिए कर रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद है अगर आपको कोई असंतोषी है वीडियो से, तो आप कमेंट कीजिए कि फिर से वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूंगा, या कहीं पे अगर ज़रूरत होगा इनोवेशन का, तो मैं कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।